नमस्कार साथियों, नवरात्रि चल रहा है, आज चौथा दिन है। मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि आपको शुभकामनाएं दूं या दुख व्यक्त करूं कि एक तरफ तो माँ दुर्गा की पूजा हम लोग कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो जीवित माँ दुर्गाएं हैं, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। क्या कसूर था उन लड़कियों का जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे? अपने अधिकार के लिए उन्होंने आवाज उठाई, उनपे उनके आत्मसम्मान पर चोट हुई, उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ हुई और उन्होंने आवाज उठाई और मोदी सरकार को इतना बुरा लग गया कि लाठियां बरसानी पड़ी उन पर, उन लड़कियों पर। क्या उनके पास पिस्तौल था? क्या उनके पास बम था? क्या उनके पास गोली चलाने का सामान था? क्या कसूर था उनका? वो तो अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ रहे थे। जब मोदी सरकार की पुलिस, वहां के चांसलर उनको इंसाफ न दे सकी तो वो उन्होंने वो रास्ता अपनाया, गांधी जी के रास्ते पे उन्होंने चला, गांधी जी के रास्ते पर उन्होंने आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया और मोदी जी की पुलिस उन पर लाठियां बरसाई, उनको खून से लथपथ कर दिया, बेचारी बच्चियों पर। और आप बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बचेगी बेटियां तभी तो पढ़ेगी बेटियां। आपकी पुलिस, आपके बीजेपी के नेताओं के बच्चे इन बेटियों को मान सम्मान के साथ जीवित रहने देंगे तभी तो वो पढ़ेंगे। आश्चर्य होता है, जो बच्चियां अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही थी, अपनी गरिमा की लड़ाई लड़ रही थी, आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रही थी, मोदी सरकार और योगी सरकार की पुलिस उन पर बरस पड़ी। और टीवी में और सोशल मीडिया में आ रहा है, कुछ दिन पहले दाऊद इब्राहिम की बीवी मुंबई होकर गई। मुंबई में किसकी सरकार? बीजेपी की। दिल्ली में किसकी सरकार? बीजेपी की। दाऊद इब्राहिम की बीवी को सुरक्षित वो फिर से पाकिस्तान भेज सकते हैं और अपनी बच्ची का, हिंदुस्तान की बेटियों का, जो मुसलमान भी नहीं है, सुन लीजिए, हिंदू जो हिंदुत्व का नारा लगाते हैं, उन भक्तों से मैं कहना चाहती हूँ, उन बच्चियों का जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, उनकी इज्जत के साथ जब छेड़खानी हुई तब मोदी सरकार पुलिस से डंडा बरसाए, तब मोदी सरकार उनके खिलाफ गई और दाऊद के बीवी को सुरक्षित मोदी सरकार ने पाकिस्तान रवाना कर दिया। आप देखिए, ये पहला वार किसान पर हुआ, फिर जवान पर हुआ, फिर छात्रों पर हुआ, फिर बच्चियों पर, महिलाओं पर भी वार करते रहे मोदी सरकार। मोदी सरकार और मोदी जी, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, जितना घूमना है घूम लो, और तो कुछ दिन बचे हैं, जितना घूमना है घूम लो, जनता माफ नहीं करेगी, जनता आपको माफ नहीं करेगी।